बैक। तो आज देखिए मैंने एक चोटी बनाई है और आप खुद देख सकते हैं कि मेरी एक चोटी पतली बनी है या फिर अच्छी बनी है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिएगा, अच्छी बनी है ना। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हेयर की। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारे हेयर केयर टिप्स। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम अपने हेयर केयर टिप्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑयलिंग की, कि आपको अपने हेयर पर ऑयलिंग वीक में कितनी बार करनी चाहिए। आपको ऑयलिंग 2 या 3 बार, और आपको आपके हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग जरूर से भी ज़रूर करनी है। अगर आप रात को लगाना चाहें तो आप रात को भी ऑयल लगाकर सो सकते हैं। आप ऑयल लें, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा डालें और रात में लगाकर सो जाएं, अगर आप सुबह आपके हेयर वॉश कर दें। तो फ्रेंड सेकंड बात आती है हेयर वॉश की। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हमें हर रोज़ हेयर वॉश करने चाहिए, हर रोज़ हमें अपने हेयर पर शैम्पू लगाना चाहिए। नहीं फ्रेंड, आपको हर रोज़ अपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। आपको वीक में मैक्सिमम 3 बार आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी बार हेयर वॉश करेंगे उतनी बार आपके ज़्यादा से ज़्यादा बाल टूटने शुरू हो जाएंगे और फिर आप बोलोगे कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई है। थर्ड बात करते हैं हम, आपको कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी स्कैल्प ड्राई है या फिर आपकी स्कैल्प ऑयली है। आप अपने स्कैल्प के अनुसार ही शैम्पू चूज करें। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा शैम्पू करें, आपकी स्कैल्प ड्राई है या फिर ऑयली है, तो आप माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी हर्बल शैम्पू जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, तो आप वो शैम्पू यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है लॉन्ग हेयर की। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं अपने हेयर या अपनी बेटी के हेयर जल्द से जल्द लंबा करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड एलोवेरा जेल से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं दिल से आप अपने हेयर को लंबा करना या फिर अपनी बेटी के हेयर को ज़्यादा लंबा करना, तो आप वीक में जितनी बार भी ऑयल करते हो उसमें एलोवेरा जेल को डालना ना भूलें। अगर आपको फ्रेश लीव से एलोवेरा जेल मिल रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप जो पैकेजिंग में आता है, पतंजलि का आता है या फिर किसी और ब्रांड का आता है, मैं पर्सनली पतंजलि का ही एलोवेरा जेल यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लीफ नहीं है। फिर बात आती है न्यूट्रिशन की। अगर आप ठीक है, आप ऊपर से आपके हेयर की केयर कर रहे हो, लेकिन आपके हेयर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? आपके अंदर से। जिस तरह एक प्लांट है तो उसको ज़मीन के अंदर से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो अगर आप हेल्दी नहीं खाओगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं पियोगे, तो भी आपको बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जो आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर बात आती है डैंड्रफ की। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें डैंड्रफ है तो हमें क्या करना चाहिए। तो डैंड्रफ का सबसे अच्छा है कि जब जब आप ऑयल लगाते हो उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें। जो कपूर हम पूजा में यूज करते हैं ना, उसको पहले कुटें, उसका पाउडर बनाएं और फिर उसको ऑयल में मिलाकर आप अपने हेयर पर लगाएं, तो आपको 2 या 3 बार में फ़र्क महसूस होने लगेगा कि आपकी स्किन से डैंड्रफ चला गया है। या फिर आप आपके ऑयल में लेमन की कुछ बूंदें मिलाकर आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं, उससे भी आपका डैंड्रफ काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको 2 मुँह है बाल हैं, बोलते हैं ना कि मेरे जो हेयर हैं वो नीचे से काफ़ी रफ हो गए हैं या फिर वो 2 मुँहें हो गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब जब भी ऑयल लगाते हो तो अपनी एंड्स पे लगाना ना भूलें। और अगर आपको 2 मुँहें बाल हैं तो सबसे पहले आप अपने हेयर्स को काटें और फिर उन पर रेगुलर मॉइस्चर लगाएं। मॉइस्चर मतलब कि ऑयल लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं या फिर कोकोनट ऑयल में अनियन जूस लगाएं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो फिर अनियन से बेस्ट कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल है तो आप सिर्फ और सिर्फ अनियन जूस को कोकोनट ऑयल में मिलाकर लगा सकते हैं, आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने आपस की बातें।
तो जिन लोगों के हेयर कम हैं या फिर पतले हैं, तो सबसे पहले आप ये मत सोचें कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा कम हैं या फिर पतले हैं, अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा तो आप सोचना ही बंद कर दें, क्योंकि आप उससे लोगे टेंशन और फिर टेंशन से आपका और भी ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाएगा। तो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हर चीज़ अच्छी हो, किसी के हेयर अच्छे हैं, किसी की और चीज़ें अच्छी हैं। हमारी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो हर इच्छाएं हमारी पूरी हों, तो आप इतना टेंशन मत लें। दूसरी बात, अगर आप कोई भी होम रेमेडी लगा रहे हैं तो उसको आप एक लाइफ का हिस्सा बनाएं, ना कि उसको मेडिसिन के तौर पर लगाएं। जिस तरह हम मेडिसिन लेते हैं ना, हमें डॉक्टर देता है 4 दिन की 5 दिन की, तो अगर आप किसी भी होम रेमेडी को मेडिसिन के तौर पर लगाएंगे तो आप 4 दिन ही या फिर 5 दिन लगाएंगे, तो उसको एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। अगर आपको आपके हेयर सच्ची में ही सुंदर चाहिए, घने चाहिए, तो आप एक ही रेमेडी को लगातार 5 या 6 महीने तक कम से कम फॉलो करें, वो अपना रिजल्ट दिखाएगी ही दिखाएगी। ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज को ही बढ़ावा दें। जैसे मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियो बनाई है, ज़रूरी नहीं कि आपको हर रेमेडी ही सूट करे, आप उनमें से जो कोई भी रेमेडी आपको सूट करती है उसको कम से कम दिल से अपनाएं और फिर लगाएं, फिर देखना आपके हेयर लंबे होंगे या नहीं, घने होंगे या नहीं। और हाँ फ्रेंड, जिन लोगों के फ्रीजी हेयर हैं उनके लिए भी अनियन जूस और कोकोनट ऑयल से ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं तो आप लगाएं कोकोनट और अनियन जूस को, फिर आप जो कैप आती है या फिर आपके पास पोलोथीन होगा तो आप उसको कवर, उसके साथ कवर करें कम से कम 2 घंटे तक, और फिर आप अपने हेयर मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थे मेरे दिल की बातें। अगर आप लोगों को आज का वीडियो, हमारा वीडियो पसंद आया है, और हाँ, आपका ने जो हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं। तो फ्रेंड, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।